जाते हुए लम्हों जरा। तो यहाँ पर सुबह सुबह बैग, क्योंकि जब जाते हैं बहुत गंदा लगता है और मन का। तो फाइनल दोस्तों, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसलिए आज इनके लिए आए। तो यहाँ से गाड़ी, तो आज हम बनाएंगे सीजन की सबसे पहली। तो आज जोशी जी के लिए आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग के 7 बजे से, और सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ आज स्कूटी से ही, क्योंकि बस में काना गया नहीं। आजकल रामलीला चल गई है कल से, तो बच्चे लेट उठ रहे हैं। और आज हो रही है जोशी जी के जाने की तैयारी। फाइनली फौजी साहब जो है वो जाने की अपनी तैयारी करने लग गए हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह बैग पैकिंग होने लग गई है। आज शाम को ही जोशी जी ने जाना है, तो उन्हें अपने सारे बूट पॉलिश वगैरह सब कर दी है, बाकी बैग तैयार कर रहे हैं। और जो कपड़े धोने थे उनको मैं धोने के लिए जा रही हूँ, अभी कपड़े धो रही हूँ। इनकी ड्रेस वगैरह सब मैंने रखे हुए हैं धोने के लिए। तो आज का दिन जो है वो बड़ा बेकार ही जाने वाला है समझ लो, क्योंकि जब जाते हैं घर से तो पूरा ही दिन ख़राब रहता है मेरे, बहुत गंदा लगता है और मन काफ़ी उदास रहता है। कल शाम से ही ऐसी उदास हो रहा है मन, तो आज शाम को इन्हें जाना है। बस आज के दिन क्या क्या होता है देखते हैं। और कपड़े कल तक धोए नहीं, जीरो टाइम पे बोलते हैं कि ये ड्रेस धोनी है, वो ड्रेस धोनी है, अभी तक निकाले नहीं थे। आज ही बैग खुला है इनका, तो वही मैं धो रही हूँ अभी। और बाकी घर के भी सब काम करने हैं, बच्चे सब चले गए हैं स्कूल, ये भी जल्दी उठ गए हैं अपने जाने की तैयारी में। तो बने रहे व्लॉग में क्या क्या होता है आज के दिन। तो फाइनल दोस्तों, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट तक। और आज मेरे को जोशी जी के लिए फ़ोन लेना है, क्योंकि जोशी जी का फ़ोन जो है वो काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए आज इनके लिए आए नया फ़ोन। और नया फ़ोन लेके जाएंगे बॉर्डर पर, ठीक है। तो जोशी जी का फ़ोन जो है वो अच्छा है, लेकिन क्या हो गया, वो पुराना हो गया काफ़ी, तो थोड़ा सा हैंग कर रहा फ़ोन, इसलिए इनके लिए नया फ़ोन लूँगी। और ये वही पुराना फ़ोन चलाने में लगे हैं आज तक। मेरे को दे रखा है इनने आईफोन 14 प्रो मैक्स, 1.5 लाख का फ़ोन चला रही हूँ, लेकिन जोशी जी के पास है बेकार सा फ़ोन, तो उसके लिए उनके लिए आज नया फ़ोन आएगा। अभी हम जा रहे हैं नया फ़ोन लेने के लिए, और उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी करनी है आके। और इनको जाना भी है शाम को, इनका बैग जो है अभी रखा ही हुआ है, ये बिल्लू की वजह से ढक के रखा है, क्योंकि बिल्लू ना इसके अंदर घुस जा रहा। अभी इनके कपड़े धो के रखे हैं छत में, तो सारे कपड़े आएंगे, उसके बाद सारा बैग तैयार होगा, पैक होगा, उसके बाद जाएंगे शाम को। मेरा हेलमेट गाड़ी में ही है, तो चलो चलते हैं। तो आज मैं पहनने वाली हूँ नई वाली जूती, जोशी जी ने कल मुझे बाटा की नई जूती खरीद के दे रखी है। तो जोशी जी ने मेरा पूरा श्रृंगार करके रख दिया भाई, इस बार तो गजब ही हो गया है। हाँ, बहुत सारा खर्चा कर दिया जोशी जी ने इस बार। ऐसे ही करते हैं जब भी घर आते ना, तो भयंकर वाला शॉपिंग करते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइट हो रही है, नई नई है ना, इसलिए तो निकलते हैं फटाफट से। चलो चले बैठो। तो आपका सर्विस सेंटर से चेंज हो गया, नया हैंडसेट मिल गया। तो यहाँ से गाड़ी की भी सर्विसिंग करके ले जाएंगे आज। तो मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ दोस्तों, गाड़ी की सर्विसिंग में काफ़ी टाइम लग गया है। और अभी इसका जोशी जी हेडलाइट ठीक करा रहे हैं, तो बहुत काम बढ़ गया है इसमें अभी भी। और 12:15 हो गया है, खाना भी बनाना है, जोशी जी को जाना भी है शाम को, तो काफ़ी लेट हो रहा है। फटाफट अभी घर पहुँच गए हैं, और अब बनाते हैं फटाफट से खाना। जोशी जी को नया फ़ोन दिला दिया है, अब हम बना रहे खाना। तो आज हम बनाएंगे सीजन की सबसे पहली ककड़ी की बड़ी, और इसी पर आज मैं बनाई थी। तो ये जोशी जी को मैंने बड़ी खिलानी है, क्योंकि जोशी जी बाद में आएंगे, तब तक बड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बनाती हूँ फटाफट से, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है इनके जाने की। तो आज जोशी जी के लिए आया है नया फ़ोन, ये मैंने इनको गिफ्ट किया है, लो
नहीं, नया फोन गिफ्ट किया है जोशी जी ने मेरे को गिफ्ट करते हैं, मैं जोशी जी को गिफ्ट करती हूँ। तो यार नया फोन जोशी को दे दिया है मैंने, बहुत ही प्यारा सा फोन है और इसकी जो कैमरा क्वालिटी ना बहुत सुंदर है। उनका कवर नया मिले आगे है, आज वो पुराना वो वाला मस्त है लेकिन वो थोड़ा साइड से मतलब जो है निकल गया है, लेकिन ये सस्ता वाला है, वो बहुत महंगा था। और कैसा लगा फोन, कैसा लगा तुमको? अच्छा लग रहा है, मस्त, पसंद आ गया। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और मैं कर रही हूँ शाम की सब्जी की तैयारी। 5 बजने वाले हैं, जोशी जी सोए हुए हैं, मैं उनकी तैयारी में लगी हूँ। तो जोशी जी कल लेके आए थे अपने प्याज के पत्ते, अभी नवरात्रि चल रही है लेकिन उनको खाने, फिर वो चले जाएंगे, मैं तो मैं नहीं खाऊँगी, उनको उनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि वो चले जाएँगे तो फिर मन की मन में रह जाएगी ना कि बोला था और लाए थे बनाया नहीं। तो शाम की सब्जी मैं उनके लिए बना दूंगी, या खा के जाएंगे या लेके जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है, पतिदेव जा रहे हैं आज, 1 महीना कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और आज तक खूब मस्ती करी, 1 महीने में खूब घूमे फिरे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट वगैरह सब चलता रहा, काफ़ी घर की चीज़ें ऐसी थी जो बहुत सारी चीज़ें हम इस बार ले कर आए और का बहुत ज़्यादा खर्चा किया, 2-2.5 लाख रुपया हमने इस महीने खर्च कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी किया, काफ़ी घूमे भी और बहुत इन्जॉय किया। फिर वही होता है ना कि मतलब आते समय तो अच्छा लगता है लेकिन जाते समय बहुत बुरा लगता है। जाने को सभी के जाते हैं ऐसा नहीं है, पर फौजी एक अलग ही होता है फौजियों का, क्योंकि उनको अभी जहाँ पर मेरे जो सजे हैं बॉर्डर में, हर समय बंदूक के साथ रहते हैं और सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे, तो थोड़ा अलग सा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट क्या करें, नौकरी है, जाना पड़ेगा, बच्चे पालने हैं, अच्छी लाइफ जीनी है तो नौकरी भी करनी पड़ेगी, है ना। तो सब्जी वब्जी काट देती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ, 5 बज गया है, उन्हें अपना बैग वैग पैक करना है, चाय बनाती हूँ उनको देती हूँ, खाना बनाते हैं, फिर जाने का ही टाइम हो जाएगा इनका। 8:40 की ट्रेन है दिल्ली वाली, फिर दिल्ली से सुबह इनकी फ़्लाइट है 10 बजे की श्रीनगर, फिर श्रीनगर से फिर आगे को जाएंगे। यही है दोस्तों, क्या करें। तो बहुत दिनों बाद अभी अभी बाहर छमाछम बारिश भी लग रही है, कई दिन से मौसम बन रहा था बारिश का, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, फाइनली आज बारिश भी हो गई है छमाछम वाली, मस्त बारिश हो रही है और थोड़ा बहुत ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन मेरे जोशी जी के जाने तक अगर बारिश बंद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी जाने में। और अभी मेरी सब्जी कट रही है, मैं प्याज काटने भी लग गई हूँ छिलके, कितने अच्छे लग रहे हैं देखो, प्यारे प्यारे से। जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलो।